Okay, so we are going to start with a new chapter today, and that is electrostatics. इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक पार्ट आपने 11 में सीखा है, ये उसके आगे का पार्ट है. और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है बेसिकली इलेक्ट्रो मतलब चार्ज एंड स्टैटिक्स मींस एट रेस्ट. तो वी वांट टू स्टडी द फिजिक्स व्हेन द चार्जेस आर एट रेस्ट. तो चार्जेस एट रेस्ट बेसिकली दे जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सराउंडिंग मीडियम. तो हमको बेसिक्स क्या क्या पता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट. अब हमको अकॉर्डिंग टू व्हाट यू हैव लर्नड इन 11th, अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q, तो ये पॉइंट चार्ज Q अगर पॉजिटिव होगा, इफ इट इज पॉजिटिव, इट विल जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर गोइंग अवे फ्रॉम इट. ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम लोग क्यों लेते हैं, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि अगर इस पॉइंट चार्ज क्यू के सराउंडिंग में कोई और चार्ज आ गया क्यू जीरो, तो ये जो चार्ज क्यू जीरो है इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. अभी फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा डिपेंड्स ऑन दिस चार्ज क्यू जीरो. अगर चार्ज क्यू जीरो पॉजिटिव हुआ तो दिस चार्ज क्यू जीरो विल एक्सपीरियंस अ रिपल्सिव फोर्स. अगर ये चार्ज क्यू जीरो नेगेटिव हुआ तो इट विल एक्सपीरियंस अ अट्रैक्टिव फोर्स. तो बेसिकली किसी भी एक पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में दूसरा चार्ज आता है तो इट एक्सपीरियंसेस फोर्स. ये समझाने के लिए ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई अनदर चार्ज इज एक्सपीरियंसिंग फोर्स, ये समझाने के लिए हम लोग इमेजिन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ओके, सो वी इमेजिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओवर हियर. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस व्हिच बेसिकली एक्सप्लेन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन सराउंडिंग द चार्ज. ओके गुड. देन अगर मुझे एक पॉइंट पी पे, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है. बाय द वे बिफोर आई गो टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, द फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस इज गिवन बाय सम कांस्टेंट के, एंड दैट कांस्टेंट के टर्न्स आउट टू बी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन. सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, square of the distance between these two, where r is distance between q and q0. Epsilon hai, you should know what is epsilon. It is permittivity of the space. Matlab jis charge jis medium mein rakha hoga, agar charge vacuum ya air mein hai to epsilon zero likhte hain hum log, right? So it depends. Agar charge water mein rakha hai to fir aap dielectric constant ऑफ वाटर के से मल्टीप्लाई करते हो और आप लिखते हो के इन टू एप्सिलॉन जीरो. तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अलग अलग मीडियम, द थिंग इज ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमिट हो रहे हैं ना चार्ज से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इजीली एक मीडियम के अंदर पेनिट्रेट हो सकता है, कितना इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे कैन पास इन द मीडियम, दैट इज गिवन बाय परमिटिविटी. एंड परमिटिविटी डिपेंड्स बेसिकली कौन से मीडियम में आपने चार्ज को रखा है. ओके, सो 4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ द स्पेस, व्हिच टेल्स यू बेसिकली इन शॉर्ट अगर आप बोलोगे तो हाउ इजी इट इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टू, बोलते ना, टू स्प्रेड इन दैट मीडियम, लूजली स्पीकिंग. ओके, देन ये तो हो गया फोर्स बिटवीन टू चार्जेस. अब ओके, आई जस्ट कीप इट ओवर हियर. नाउ व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू इज, ये चार्ज हटा दिया यहां से मैंने. अब मैं बोलता हूं कि हमारे पास एक पॉइंट पी है, चार्ज की बात नहीं की, आगे करूंगा. इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है. डेफिनेटली जब मैं पॉइंट पी बोल रहा हूँ, मैं जब बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, तो वहां पे एक ही चार्ज दिख रहा है मुझे, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज क्यू. इस चार्ज को सोर्स चार्ज बोलते हैं. सोर्स चार्ज मतलब जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन में है, दैट इज द सोर्स चार्ज. राइट, अब उस फील्ड में मैं किसी और चार्ज को लेकर रख दिया तो दैट विल बिकम अ टेस्ट चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, क्यू का है. तो क्यू क्या हो गया, सोर्स चार्ज. उसके फील्ड में कौन सा चार्ज आया, क्यू जीरो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेस्ट चार्ज. एनीवेज, राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है एट अ पॉइंट इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन.
सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट, करेक्ट राइट, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। वेल बाय द वे ये एक्चुअली फोर्स ही है, क्यों? हाँ तो ये आपको पता होना चाहिए, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, 1/4 pi epsilon q/r² into टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिर्फ q0 मिसिंग है, तो मिसिंग नहीं है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं इसको, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं इसको, डिफाइन करते बोलते ही ऐसा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना, मतलब एक कूलम के चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा उस पॉइंट पे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज केप्ट एट दैट पॉइंट। ओके, फिर इसलिए आप लिख सकते हो क्योंकि ये पार्ट हो गया आपका इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसलिए आप लिखते हो फोर्स इज इक्वल टू ई इंटू q0, therefore आप लिखते हो E is equal to force upon q0. Electric field intensity is force upon test charge, okay? Test charge. So this is how you have defined electric field intensity. This is one of the way. This is another way. Okay. By the way, अभी ये electric field हो या फिर force हो या जो भी हो, this force है, electric field है, these are vector quantities. So we need to know what is the direction. So as you can see, अगर positive charge है तो direction is always away from the charge, और अगर negative charge होगा तो electric field का direction always towards होगा, right? Good. So just to clear some basics, आपने 11th में mostly पॉइंट चार्जेस की बात की थी, मतलब चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट वन पॉइंट, फिर आपने बोला था व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट पॉइंट चार्ज एट सम डिस्टेंस आर एट पॉइंट पी, दिस इज व्हाट यू हैव लर्नड, ओके। बट व्हेन यू टॉक अबाउट प्रैक्टिकल सिचुएशन में सारा का सारा चार्ज एक पॉइंट में नहीं होता है, यू कैन हैव अ स्पीयर, इस स्पीयर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल चार्ज क्यू है, हमको इस पर्टिकुलर स्पेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से एक डिस्टेंस आर पे, और ये डिस्टेंस आर सेंटर से मेजर होगा, इस डिस्टेंस आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, अब एक क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के लिए क्या था, 1/4 pi epsilon q/r². पॉइंट चार्ज के केस में डिस्टेंस मैं एग्जैक्टली उस पॉइंट चार्ज से उस पॉइंट पी तक मैं मेजर कर सकता था, क्योंकि डिस्टेंस हम दो पॉइंट में मेजर करते हैं, ये तो स्पीयर है, फिर ये पी पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से मेजर करूँ, इस पॉइंट से मेजर करना है या फिर यहाँ से मेजर करना है या फिर यहाँ से मेजर करना है, so there are a lot of questions regarding it. तो या फिर एक वायर भी हो सकता है, मेरे पास एक वायर है, इस वायर पे चार्ज है, क्योंकि this is the most practical situation. आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है वो तो वायर से ही होगा ना, तो there are charges. इस वायर पे चार्ज है और मैंने बोला कि इस पॉइंट पी पे, let us say there's a point P here, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है due to this wire. अगेन अ क्वेश्चन मार्क, हाउ डू आई मेजर डिस्टेंस, कहाँ से मेजर करूँ, इस पॉइंट से करूँ या फिर इस पॉइंट से करूँ या फिर इस पॉइंट से करूँ या फिर कोई और पॉइंट से करूँ, हाँ, सो व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सटेंडेड चार्जेस, एक्सटेंडेड मतलब चार्जेस ऑन अ स्पीयर, चार्जेस ऑन अ वायर, चार्ज ऑन अ थिन पेपर, एक थिन प्लेन ले लिया मैंने, एक प्लेन शीट ले ली और पूरे शीट पे चार्ज डाल दिए, फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, मेरे पास ऐसा एक थिन शीट है और मैंने इस पे चार्ज डाल दिया, राइट, तो दीज आर सर्टन डिफिकल्टीज इन फाइंडिंग आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट, ड्यू टू एक्सटेंडेड चार्जेस। तो जब चार्जेस एक्सटेंडेड होते हैं तो उस केस में हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है।
इनफैक्ट एक्सटेंडेड चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इज मच मोर इजियर एज कंपेयर टू पॉइंट चार्जेस प्रोवाइडेड. आपको गॉस लॉ पता होना चाहिए. गॉस लॉ बताने से पहले आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता होना चाहिए. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कब आती है, जब चार्जेस मोशन में हो तब. मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड्स. हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं. रिमेम्बर दिस, आई हैव सीन स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने एमएससी तक पढ़ाया है, मास्टर्स लेवल तक, बीएससी बीई, एमएससी तक आते आते भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स और मैग्नेटिक फील्ड्स का डिफरेंस नहीं समझ में आता. इलेक्ट्रो चार्जेस, स्टैटिक्स एट रेस्ट. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट चार्जेस इन मोशन, क्योंकि अगर चार्ज मोशन में गया तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा. तो उस केस में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस कंसिडर करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस कंसिडर करने पड़ेंगे. हियर वी विल स्ट्रिक्टली बी टॉकिंग अबाउट चार्जेस एट रेस्ट. एंड इन दिस केस, बिकॉज वी आर इन 12th नाउ, प्लस टू लेवल, इस केस में चार्जेस आर एक्सटेंडेड, मतलब एक स्पीयर पे चार्ज है, एक वायर पे चार्ज है, एक शीट पे चार्ज है, सो ऑन सो फोर्थ. तो गॉस लॉ, देयर इज अ लॉ व्हिच हेल्प्स यू टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटेंडेड चार्जेस. लेकिन गॉस लॉ समझने से पहले आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझना होगा. इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक चार्ज है, ओके? इस चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट हो रहे हैं, करेक्ट? मैंने एक यूनिट एरिया रख दिया यहाँ पे. आई हैव केप्ट अ शीट ऑफ यूनिट एरिया ओवर हियर. व्हाट इज यूनिट एरिया? एरिया इक्वल टू वन, है ना? तो व्हाट आई हैव डन इज, मैंने एक शीट रख दिया यहाँ पे, एक एरिया ले लिया मैंने यहाँ पे, जिसका एरिया यूनिटी होगा, करेक्ट? इस यूनिट एरिया में से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली, मतलब परपेंडिकुलरली पास हो रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो आई विल ड्रॉ अ बेटर डायग्राम टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. हमने ले लिया एक यूनिट एरिया. I cannot show it here. ठीक है, ओके. मान लो ये यूनिट एरिया है, डोंट गो ऑन द शेप, शेप इज नॉट इंपॉर्टेंट ओवर हियर. मान लो ये यूनिट एरिया है, और इस यूनिट एरिया में से there are electric field lines passing. तो यहां से lines pass हो रहे हैं, right? ये electric field lines है, okay? अब ये electric field lines जो है, ये area को perpendicular है, normal है, okay? तो how many electric field lines are passing perpendicular to this area? It is electric flux. That is defined as electric flux. But हमेशा ऐसा तो नहीं होगा कि लाइंस परपेंडिकुलर हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा भी पास हो रहा है, मतलब देयर इज सम एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. अब नॉर्मल टू द सरफेस मतलब हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग इस सरफेस को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, सरफेस को परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. ये वर्ड याद रखना, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल टू द सरफेस. And that normal to the surface, basically that gives the direction of the surface. So the direction of the surface is called ds bolte hain hum log, ds bar. Samajh lo acche se. Area pe ek normal draw kiya, that gives us direction of the surface, aisa bolte hain. So basically that is normal drawn at the surface. Aur ye red mein jo hai, that is electric field line. This is also a vector quantity.
डीएस बार से वेक्टर क्वांटिटी, तो इन दोनों में कुछ एंगल बना थीटा, करेक्ट राइट। हमें क्या चाहिए था, हमें ये चाहिए था, वी वांटेड टू नो हाउ मेनी लाइंस आर पासिंग नॉर्मली टू अ यूनिट एरिया, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फ्रैक्चर डेफिनेशन ही है, द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग नॉर्मली या फिर पासिंग परपेंडिकुलरली, नॉर्मली दिस वर्ड इज यूज नॉर्मली, ओके, द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके गुड। कितने लाइंस सरफेस को नॉर्मल पास हो रहे हैं, यहाँ पे तो नॉर्मल पास नहीं हो रहा है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट नॉर्मल हियर, इट इज नॉट परपेंडिकुलर हियर। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, फिर ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के कंपोनेंट्स देखते हैं। तो कंपोनेंट कैसे देखते हो, आप पहले तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, फिर आप बोलोगे ये जो कंपोनेंट है यहाँ पे, दिस कंपोनेंट ओवर हियर, मान लो दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट, ओके, दिस कंपोनेंट विच इज ई कॉस थीटा कहां से आया, क्योंकि वो एडजेसेंट साइड है, और अगर आपने वेक्टर्स पढ़ा है 11 में, तो प्रोजेक्शन ऑफ ई बार ऑन डी एस बार इज ई कॉस थीटा, है ना। दूसरा कंपोनेंट कहां जाएगा, दूसरा कंपोनेंट यहां जाएगा, दैट विल बी ई साइन थीटा। हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन ये था, द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग नॉर्मली, ई साइन थीटा नॉर्मली पास हो रहा है क्या, नहीं, तो ई साइन थीटा का कोई काम नहीं है यहाँ पे, वी डोंट नीड दैट। नॉर्मली क्या पास हो रहा है, नॉर्मली पास हो रहा है ई कॉस थीटा, और इस एरिया, दिस एरिया वॉज डी एस, तो टोटल लाइन्स कितने पास हुए, ई कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी एस, दिस आर द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू दैट एरिया डी एस। वापिस बोल रहा हूँ, बाय डेफिनेशन द नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग नॉर्मली थ्रू यूनिट एरिया, यूनिट एरिया दिमाग में डाल लो, एरिया की वैल्यू 1 होनी चाहिए, हमारे पास नहीं है 1, फिर क्या करेंगे, हमारे पास डी एस है, ओके, द नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन एरिया इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पर नॉर्मली पास होना चाहिए ना, नॉर्मली पास नहीं हो रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट ले लिया, इसलिए फिर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल कंपोनेंट को टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब मुझे ये मिल गया कि कितने लाइंस इस एरिया में से पास हो रहे हैं नॉर्मली, राइट करेक्ट। तो दिस इज कॉल्ड एज फ्लक्स डिनोटेड बाय फाई ई कॉस थीटा डी एस, बट रिमेंबर 11th स्टैंडर्ड वेक्टर्स ई डी एस कॉस थीटा, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर और कॉस थीटा का मल्टीप्लिकेशन, और थीटा अगर इन दोनों में एंगल है तो इसको आप लिखते हो ई बार डॉट डी एस बार, तो फ्लक्स थ्रू अ एरिया डी एस, फ्लक्स थ्रू अ एरिया डी एस इज ई बार डॉट डी एस बार, ये मिल गया आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन जब तक नहीं पता, गॉस लॉ आप नहीं कर सकते, ओके अभी गॉस लॉ आपको क्या बताता है, सो दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, ओके। गॉस लॉ आपको क्या बताता है, गॉस लॉ आपको ऐसा बोलता है कि इफ यू हैव एक्सटेंडेड चार्जेस, है ना, मतलब मेरे पास अगर चार्ज एक स्पीयर पे है, मान लेता हूं मेरे पास चार्ज एक स्पीयर पे है, so I have a charge on this sphere, positive charge, correct, right, then अभी जो positive charge है ये हर एक direction में electric field lines emit करेगा, और सारे के सारे field lines का direction होगा outwards, so this is how the charge is emitting electric field lines,
समझ लेना, हर एक डायरेक्शन में है, राइट। व्हाट वाज आवर टास्क, हमको ये जो स्पीयर है जिसपे चार्ज है, बाय द वे बाय नोटेशन, पूरे चैप्टर में एक नोटेशन फिक्स रहेगा हमारा, दैट इज जिस जिस सरफेस के ऊपर, जैसे यहाँ पे स्पीयर है, जिस स्पीयर पे चार्ज है, ये चार्ज कंडक्टिंग स्पीयर हो गया, उसका रेडियस हम लोग हमेशा कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। तो कैपिटल आर विल ऑलवेज मीन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट चार्ज्ड कंडक्टर, जिसके ऊपर चार्ज है वो, राइट। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आगे समझेगा। अब ये चार्ज कंडक्टिंग स्पीयर हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमिट कर रहा है, ओके। लिटिल करेक्शन नाउ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग तब बोलते हैं जब एक पॉइंट चार्ज हो, क्योंकि पॉइंट चार्ज लाइंस इमिट करता है ना, एक ही पॉइंट है और पॉइंट चार्ज में से हर डायरेक्शन में लाइन इमिट हो रहा है। बट व्हेन यू हैव एक्सटेंडेड चार्ज तो पॉइंट नहीं है, इट इज इमिटिंग, एक्सटेंडेड चार्ज इज मेड अप ऑफ एन नंबर ऑफ पॉइंट्स, एन नंबर ऑफ चार्जेस, बहुत सारे छोटे छोटे चार्ज है और वो स्फीयर के ऊपर है। तो इन सच केसेस वी टॉक अबाउट ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन। ओल्ड सिलेबस में ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन समझा के दिया था, इस सिलेबस में बोला नहीं है तो जरूरत नहीं है, तो मैं आई विल नॉट टॉक अबाउट इट, ओके। एनीवेज हम उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। नाउ द आइडिया इज व्हाट वाज आवर पर्पस, हमें ये जो स्पीयर है, इस स्पीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा एट सम पॉइंट पी, मान लेता हूं कि यहाँ पे एक पॉइंट है पी, मुझे इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ये जो पी पॉइंट है ये स्मॉल आर डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल कंडक्टर, तो इट इज एट स्मॉल आर डिस्टेंस, यू हैव टू कनेक्ट। एक स्पीयर था जिसका रेडियस कैपिटल आर था, उस पे चार्ज है, और चार्ज होने की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस आर गोइंग अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द स्पीयर। देन हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया, अरे चार्ज्ड बॉडी है ये, तो चार्ज स्पीयर है, फिर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। हाँ, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्पीयर क्या होगा, नहीं फाइंड कर सकते ना, मैंने पहले ही बोला क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज नहीं है। देन सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है आपको, गॉस लॉ को ये बोलता है जिस पॉइंट पी पे या फिर जिस डिस्टेंस आर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, वहां पे पहले आप एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ कर लो, और वो जो इमेजिनरी सरफेस है उसका शेप और कंडक्टर का शेप सेम होना चाहिए। कंडक्टर क्या था हमारे पास, स्फीयर, तो इमेजिनरी सरफेस जो है उसको भी मैंने स्फीयर बना दिया, तो इसको बोलते हैं गॉशियन सरफेस। ये इमेजिनरी सरफेस है, ये रियल नहीं है। कंडक्टर का जो शेप होगा उसी शेप का ये स्फीयर बनता है, उसका रेडियस स्मॉल आर है, क्योंकि हम लोगों का क्वेश्चन ये था कि मुझे डिस्टेंस आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो हमने आर को रेडियस मान के एक स्फीयर ही ड्रॉ कर दिया। क्यों? बिकॉज व्हाट वी कैन डू इज, क्योंकि हम लोगों को पता है कि इस स्फीयर पे हर एक पॉइंट पे, स्फीयर के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। क्यों सेम होगा? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज
जस्ट अ फंक्शन ऑफ चार्ज एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट. इस स्फीयर पे मैं कहीं पे भी पॉइंट अगर लेता हूँ एनीवेयर, उस हर एक पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से स्मॉल आर ही रहने वाला है. मतलब ये हो गया सिमेट्रिकल, राइट? तो इजी इसलिए है, फर्स्ट है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ ई ऑन द स्पीयर इज गोइंग टू बी सेम ऑलवेज, बिकॉज दैट स्पीयर एवरी पॉइंट ऑन ऑफ दैट स्पीयर इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर. वन थिंग. दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर आप देख रहे हो तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड्स है, अवे, राइट? ओके, मतलब डायरेक्शन का भी चिंता नहीं, मैग्नीट्यूड का भी चिंता नहीं. आप सिर्फ गॉस लॉ क्या है याद होना चाहिए. आपको गॉस लॉ बोलता है दैट फ्लक्स, अभी फ्लक्स की बात क्यों आई, क्योंकि मैंने एक स्पीयर ड्रॉ कर दिया इमेजिनरी. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस सरफेस, गॉसियन सरफेस से पास होंगे. मतलब मैं वो नंबर ऑफ लाइंस मेजर कर सकता हूँ समहाउ, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं गॉसियन सरफेस में से. तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फ्लक्स थ्रू द सरफेस, फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड, मतलब उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन. ओके, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज, मैंने बताया आपको व्हाट इज एप्सिलॉन, यू ऑलरेडी नो. ओके, गुड. तो गॉसियन, गॉस लॉ टेल्स यू द फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन. ये आपका 11 में हुआ है बेसिकली. बट फ्लक्स कैसे फाइंड करते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया व्हाट इज फ्लक्स, ई बार और डीएस बार. लेकिन डीएस तो एक छोटा सरफेस था. ओके, तो इमेजिन करो जिस पॉइंट पी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सबसे पहले उस पॉइंट पी के अराउंड मैं एक छोटा सरफेस ड्रॉ कर लेता हूं और इस सरफेस को बोलता हूं डीएस. तो फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, मतलब ये जो ds सरफेस लिया है मैंने, इसमें से जो फ्लक्स जा रहा है दैट फ्लक्स इज बेसिकली, ये जो लाइंस पास हो रहा है, यहाँ पे लाइंस बताए मैंने, दैट फ्लक्स इज गिवन बाय, दैट फ्लक्स इज गिवन बाय e बार डॉट ds बार बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स. करेक्ट, पॉइंट बाय पॉइंट कनेक्ट करना पड़ेगा. बट स्फेरिकल चार्ज है वो तो हर एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमिट कर रहा है, राइट? मतलब अगर मैं पूरे स्पीयर को छोटे छोटे डीएस में डिवाइड करके रखूं, यहाँ पे एक डीएस, यहाँ पे एक डीएस, यहाँ पे एक डीएस, यहाँ पे भी एक डीएस, यहाँ पे और एक डीएस, तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स, ये पूरे स्पीयर पे जितने जितने छोटे छोटे सरफेस होंगे सब में से लाइंस पास हो रहे हैं, मतलब सब में से फ्लक्स पास हो रहा है. तो टोटल फ्लक्स हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस. ये जो सर्कल है इट मींस दैट वी आर इंटीग्रेटिंग ओवर अ क्लोज्ड सरफेस, और इसलिए मैंने बोला था चार्ज एनक्लोज्ड, राइट? तो इन शॉर्ट गॉस लॉ बन जाता है आपका फ्लक्स इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन, और फ्लक्स क्या आया, इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज सरफेस e बार डॉट ds बार इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन. ये बन गया आपका गॉस लॉ, राइट? मैं वापस समझाऊंगा, फिर हम लोग लिखेंगे, फिर हम लोग स्पीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एट डिस्टेंस r या फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर, वायर के लिए क्या होगा, शीट के लिए क्या होगा, हम सब देखेंगे. For introductory lecture, it is important for me and for you to understand the basic difference and to understand the concepts. So, मैं वापस एक बार quickly concepts को repeat कर देता हूँ right from scratch, and then we'll go on writing and moving ahead on
द लिस्टेड टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, जो जो पढ़ना है वो। देखो, द मेन थिंग इज 11th में जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हो, इलेक्ट्रो मतलब चार्जेस, स्टैटिक्स मतलब एटरेस्ट, तो उस केस में मोस्टली आप पॉइंट चार्जेस की बात करते हो। आप बोलते हो कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है क्यू, उस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर, इट इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर स्क्वायर, राइट? ओके, देन व्हाट इज डिफरेंट इन दिस केस? इन नाउ हमारे पास जो चार्ज है, इट इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड एट अ पॉइंट, बट द चार्ज इज ऑन द सरफेस ऑफ द स्पीयर। अब ये स्पीयर सॉलिड है या स्पीयर हॉलो है वो बाद में देखेंगे, फिलहाल मैं हॉलो स्पीयर की बात कर रहा हूँ। तो अंदर कुछ नहीं है स्पीयर के, और जिस स्पीयर पे चार्ज है उसका रेडियस हम हमेशा कैपिटल आर से डिनोट करने वाले हैं, राइट? जैसे आपने 11 में देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इट इज ऑलवेज अवे इफ द चार्ज इज पॉजिटिव, तो इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम दैट चार्ज इफ द चार्ज इज पॉजिटिव, ऑलवेज अवे, डायरेक्टेड अवे, राइट? तो सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द स्पीयर, सिर्फ वहां पे पॉइंट चार्ज था, यहाँ पे स्पेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सो टू मेक थिंग्स कन्वीनियंट फॉर यू, आई एम जस्ट ड्रॉइंग दिस ओवर हियर। ओके, गुड गुड इनफ, क्लियर। अब पहले केस में, पॉइंट चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना बहुत इजी टास्क है। 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, खत्म। बिकॉज डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड, वहां पे एक ही पॉइंट है जहां से डिस्टेंस मेजर करना है, ये स्पीयर है। स्पीयर पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो मैं कहां से डिस्टेंस मेजर करूं, दैट इज क्वेश्चन हियर। हमें आर टास्क वॉज कि हमारे पास एक पॉइंट है समवेयर ओवर हियर, मान लेते हैं पी पॉइंट है जिसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ स्पीयर से आर है, और यहां पे जब मैं सेंटर ऑफ स्पीयर बोल रहा हूं तो मैं स्मॉल आर डिस्टेंस ले रहा हूं। ओके, हमको पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था। तो गॉस लॉ हमको क्या बोलता है कि पहला काम जो आपने करना है, दैट इज टू ड्रॉ अ कॉन्सेंट्रिक स्पीयर। कॉन्सेंट्रिक मतलब ये जो मैं स्पीयर ड्रॉ कर रहा हूं, इसका सेंटर और जो कंडक्टर है उसका सेंटर सेम होना चाहिए। तो मैंने कॉन्सेंट्रिक स्पीयर ड्रॉ कर लिया, ये हो गया कॉन्सेंट्रिक स्पीयर। नाउ व्हाट गॉस लॉ टेल्स यू इज कि आपने एक बार इमेजिनरी स्पीयर ड्रॉ कर लिया, और वो इमेजिनरी सरफेस है बेसिकली, ये जो इमेजिनरी सरफेस है इसका शेप और कंडक्टर का शेप सेम होना चाहिए। हमारे केस में कंडक्टर का स्पीयर है तो इसका शेप भी स्पीयर होगा, इसको हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्पीयर, कौन सा स्पीयर? गॉसियन स्पीयर, इमेजिनरी स्पीयर, इस चार्ज एंक्लोज्ड मतलब इस इमेजिनरी स्पीयर के अंदर कितना चार्ज है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, करेक्ट? फ्लक्स निकालने के लिए मुझे ये देखना है कि ये पूरे गॉसियन सरफेस से कितने लाइंस
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ट्रिक यूज करते हैं। हम लोग पहले तो पी के नियर अबाउट में एक सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। तो व्हाट वी हैव डन इज, हमने इस पी पॉइंट के सराउंडिंग में एक डीएस सरफेस ड्रॉ कर लिया। डीएस उसका एरिया है। नाउ व्हाट वी नो इज कि इस डीएस एरिया में से लाइंस पास हो रहे हैं। मैं कुछ लाइंस दिखा देता हूं, मतलब देयर सम फ्लक्स थ्रू इट। व्हाट वी नो इज दिस फ्लक्स थ्रू एरिया डीएस इज गिवन बाय ई बार डॉट डीएस बार, राइट। बट मैंने पूरे स्पीयर की बात की थी यहाँ पे, तो मैं ऐसा इमेजिन कर सकता हूँ कि ये पूरा जो स्पीयर है ये छोटे 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 डीएस 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 से बना हुआ है। अगर मुझे पूरे स्पीयर से फ्लक्स चाहिए तो मैं हर एक डीएस 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 पे इंटीग्रेट करूंगा, सबको इंटीग्रेट करूंगा। तो ये आ गया फ्लक्स। लेकिन ये फ्लक्स किस से पास हो रहा है, इट इज पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, इसलिए इंटीग्रेशन के ऊपर एक सर्कल दिखा दिया, मतलब क्लोज सरफेस। सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस ए बार डॉट डी एस बार, मतलब फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। ये आपने 11th में सीखा है, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट यू हैव लर्नड, यू हैव नोन फ्रॉम 11th। हमारा अब 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक इस पॉइंट से आगे चालू होगा। करना क्या है हमको, हमारे पास एक स्पीयर दिया होगा, स्फेरिकल कंडक्टर जिस पे चार्जेस है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो एट अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर। फिर बोलेंगे यू हैव अ वायर, क्योंकि रियल लाइफ में तो वायर है ना, हमारे पास वायर है, वायर पे चार्ज है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर। फिर बोलेंगे हमारे पास एक थिन शीट है लाइक अ पेपर, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड due to that thin sheet at a distance r at a point p, right? So this is how, this is what we are supposed to do, aur hum log Gauss law ko use karenge and we will be finding out, okay? Good. So I will start with introduction now. Pehle likh lete hain thoda sa and then we will start applying Gauss law. Okay, so we'll start with introduction and in introduction part we will just quickly write down what is Gauss law, because that is all that we need, humko utna hi zarurat hai. And then we'll directly start applying Gauss law. Okay, so what we have learned, okay, so we know that to find out electric field intensity due to extended charges, we need to apply Gauss law which is given by, okay, humko pata hai Gauss law is given by what, which is given by integration over closed surface E bar dot ds bar is equal to charge enclosed upon epsilon, okay, right, that is flux basically. So phi is equal to integration over closed surface E bar dot ds bar, which is equal to charge enclosed upon epsilon zero. Okay, good. Then
देन इट इज अ पावरफुल टूल. यू विल कम टू नो वेरी सून व्हाई इट इज अ पावरफुल टूल. इट इज अ पावरफुल टूल विच कैन बी अप्लाइड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड when it originates from the charge distribution of sufficient symmetry मतलब ये आप symmetrical charge distribution पे apply कर सकते हो, right? Good. By the way, I should mention कि यहाँ पे ये phi क्या है, यहाँ पे what is this q and everything. So where in this case where ये जो मैंने equation लिखा है यहाँ पे phi क्या है. I told you phi is total flux coming out of a closed surface. तो closed surface से जो flux है मैं उसकी बात कर रहा हूं, of a closed surface, right? And charge enclosed, q enclosed is the total charge inside the closed surface. Total charge inside the closed surface, right? Easy. Then the main intention to tell you all the basics was that we should be able to apply Gauss law, and we will directly start with this application of Gauss law now. तो हम लोग एक एक type of body लेंगे और उसके Gauss law apply करके electric field निकालेंगे. Application of Gauss law. राइट उसमें फर्स्ट इन द लिस्ट इज हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड spherical shell or hollow sphere. Matlab in the first case we are supposed to find out intensity, electric field intensity, matlab electric field ka strength due to a uniformly matlab wo jo hum log shell lene wale hain, jo hollow sphere lene wale hain, us sphere ke har ek पार्ट में इक्वल चार्ज होगा. चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. ऐसा नहीं होगा कि एक जगह पे ज्यादा चार्ज है दूसरी जगह पे कम है. तो एवरीवेयर यूनिफॉर्मली चार्ज, मतलब सरफेस डेंसिटी इज कांस्टेंट, इसका मतलब ये होता है ना. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर. तो दैट इज व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड. और हॉलो स्फीयर, राइट? गुड. तो आई विल फर्स्ट गो थ्रू all the topic and baad mein hum dekhenge. Later on we will see, we will write down. So as I told you, wapis thoda repeat ho raha hai ye. As I told you, hamare paas kya tha? Hamare paas ek charge distribution hai. Ye ek charge distribution hai yahan pe. To is pe iska radius maine aapko bataya tha, the radius of this is capital R. ओके,
रेडियस इज कैपिटल आर, और इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल चार्ज मैं ले लेता हूँ प्लस क्यू स्मॉल क्यू, दिस इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट, गुड। देन हमारे पास लेट अस से देयर इज अ पॉइंट पी ओवर हियर, जहां पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। देन एज आई टोल्ड यू व्हाट हैपेंस इज, व्हाट हैपेंस इज दिस, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड्स इन ऑल डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स इन ऑल डायरेक्शन। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ, दीज आर द वेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड आउटवर्ड्स इन ऑल डायरेक्शन, ओके गुड। देन ऐसा है, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्पीयर विच इज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स एवरीवेयर। देन आई टोल्ड यू कि हमको क्या करना पड़ेगा। देन इन द नेक्स्ट केस वॉट यू आर सपोज टू डू इज, यू आर सपोज टू ड्रॉ अ गॉशियन स्पीयर, कॉन्सेंट्रिक गॉशियन स्पीयर विथ रेडियस स्मॉल आर, और ये जो पॉइंट पी है जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, वो पॉइंट पी ये स्पीयर के ऊपर आना चाहिए। ओके तो ये हमने ड्रॉ कर दिया कॉन्सेंट्रिक स्पीयर, और मैं पॉइंट पी को दिखा देता हूँ वापस एक बार। तो यहाँ पे ये है पॉइंट पी जहाँ पे हम लोगों को गॉशियन, जहाँ पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है पॉइंट पी पे, और ये जो गॉशियन स्पीयर हमने लिया है, इस गॉशियन स्पीयर का रेडियस जो है दैट रेडियस इज आर। तो ये जो गॉशियन स्पीयर हमने लिया है, इस गॉशियन स्पीयर का रेडियस है स्मॉल आर, सो दिस रेडियस इज स्मॉल आर, इतना पता होना चाहिए, राइट। देन व्हाट वी डिड इज, एज आई टोल्ड यू कि हम लोगों को पहले एक छोटा सरफेस लेना पड़ेगा सराउंडिंग पॉइंट पी। तो जिस पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसके सराउंडिंग में आपको एक छोटा सरफेस लेना है, और उस सरफेस को हम बोल देंगे डी एस, राइट, करेक्ट, इतना आपको पता होना चाहिए। देन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स विच इज इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस ए बार डॉट डी एस बार इज गिवन बाय चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेता हूं, सो इंटीग्रेशन ए बार डॉट डी एस बार इज इक्वल टू, मैं इसको इक्वेशन नंबर वन बोलता हूं, इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, राइट, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन किस किस में एंगल है वो ई बार एंड डी एस बार। मैंने इसलिए पहले ही फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, क्योंकि फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग नॉर्मली टू अ सरफेस, और वहां से आता है फ्लक्स का डेफिनेशन ए बार डॉट डी एस बार, राइट। बट थीटा इन आर केस इज जीरो, क्यों, क्योंकि मैं अगर पी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, पी पॉइंट पे अगर वो जो सरफेस लिया है डी एस मैंने,
अगर मैं वहां पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, उसका डायरेक्शन और ए बार का डायरेक्शन सेम आने वाला है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ पी पॉइंट पे, नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर मैं इफ आई एम ड्रॉइंग नॉर्मल एट पॉइंट पी, ये नॉर्मल मतलब डी एस बार और इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार का डायरेक्शन सेम है। तो डी एस बार एंड ई बार का डायरेक्शन सेम है, ये येलो वेक्टर है डी एस बार, और जो ब्लैक लाइंस है दे आर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स। सो देखो, सरफेस एरिया डी एस है, सरफेस एरिया को नॉर्मल डी एस बार डायरेक्शन टू दैट डायरेक्शन ऑफ दैट सरफेस होता है, राइट? तो हियर एंगल इज थीटा, सिंस सिंस ई बार एंड डी एस बार हैव सेम डायरेक्शन, हैव सेम डायरेक्शन, राइट? गुड, इजी। देन अब देयरफॉर ये आ जाएगा ई डी एस कॉस ऑफ जीरो, है ना? तो ई बार डॉट डी एस बार जो मैं लिख रहा था, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस ई डी एस कॉस थीटा, बट कॉस थीटा इज कॉस जीरो, तो ये आ जाएगा ई डी एस कॉस जीरो इज वन। देन अब ऐसा है, ई की वैल्यू मैं अगर यहां लेता हूं या यहां लेता हूं या फिर यहां लेता हूं या फिर कहीं और लेता हूं गॉसियन स्फीयर पे, गॉसियन सरफेस पे, तो ये आपका गॉसियन सरफेस था। उस पूरे के पूरे गॉसियन सरफेस पे कहीं पे भी अगर आप ई की वैल्यू लोगे तो दैट वैल्यू ऑफ ई इज गोइंग टू बी सेम। क्यों? क्योंकि ई किस पर डिपेंड करता है? चार्ज पे। चार्ज तो क्यू है, पॉइंट मैंने चाहे यहाँ लिया हो, चार्ज चाहे यहाँ लिया हो, चाहे कहीं भी लिया हो, चार्ज तो क्यू ही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, आपको याद होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू क्यू बाय आर स्क्वायर, बराबर। तो गॉसियन स्फीयर पे जो भी पॉइंट है वो पॉइंट कॉन्स्टेंट जो अंदर चार्ज कंडक्टर है उससे तो इक्वल डिस्टेंस पे ही है, मतलब दे आर एट सेम डिस्टेंस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन दिस गॉसियन स्फीयर इज कॉन्स्टेंट क्वांटिटी। फिर आ गया मैथमेटिक्स का बेसिक्स, कॉन्स्टेंट कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द इंटीग्रल, क्योंकि कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव से भी बाहर, इंटीग्रेशन से भी बाहर रख सकते हो। देन फिर मैंने आपको बताया था कि मैंने पूरे स्फीयर को ऐसे छोटे छोटे डीएस, ये पूरा स्फीयर ये छोटे छोटे डीएस से बना हुआ है, ऐसा अज्यूम किया है हम लोगों ने, दैट द होल स्फीयर इज मेड अप ऑफ एन नंबर ऑफ स्मॉल रीजन्स डी एस डी एस डी एस डी एस, और अब मैं सब पे इंटीग्रेट कर रहा हूँ, मतलब सबको ऐड करते जा रहा हूँ, तो ऐसे छोटे छोटे डी एस डी एस डी एस को ऐड करते जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? सरफेस ऑफ गॉसियन स्फीयर, सरफेस ऑफ गॉसियन स्फीयर याद रखना, सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन स्फीयर, व्हाट इज एरिया ऑफ अ स्फीयर? 4 पाई आर स्क्वेयर, करेक्ट? यहाँ होती है गड़बड़, मैं जानबूझ के गड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ पे। कैपिटल आर किसका रेडियस था? कैपिटल आर चार्ज कंडक्टर का रेडियस था। हम लोग चार्ज कंडक्टर की बात कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस का रेडियस होता है स्मॉल आर। इक्वेशन नंबर टू, फ्रॉम वन एंड टू याद करो, इक्वेशन वन क्या था? इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। तो इक्वेशन टू मुझे देता है इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार मतलब ई 4 पाई आर स्क्वायर, और इनक्लोज्ड चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना था? क्यू अपॉन एप्सिलॉन, मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर। मिल गया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्पीयर, चार्ज कंडक्टिंग स्पीयर एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, और इफ यू नोटिस दिस इज एग्जैक्टली द सेम इक्वेशन दैट यू गेट फॉर अ पॉइंट चार्ज, राइट? तो स्पीयर
की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्पीयर, और एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर इज द सेम। तो डिफरेंस क्या है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो फॉर द टाइम बिंग वॉट यू हैव अंडरस्टूड इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्पीयर इज एग्जैक्टली द सेम फॉर्म एज दैट ऑफ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एंड आई एम गोइंग टू डिलीट ऑल दिस बिकॉज आई एम गोइंग टू पुट दिस इन प्रॉपर वर्ड्स टुमोरो नेक्स्ट सेशन। तो फिलहाल तो सिर्फ डायग्राम तक मैं रखने वाला हूँ, दैट्स इट। आई एम जस्ट गोइंग टू कीप इट अंटिल दिस डायग्राम एंड फ्रॉम फॉर नेक्स्ट लेक्चर वी विल जस्ट कंटिन्यू विद डायग्राम ऑनवर्ड्स। ओके, एंड वॉट इज इम्पॉर्टेंट हियर इज टू शो दिस पर्टिकुलर वेक्टर ओवर हियर and that is the direction of ds bar, and what is important is to show is to remove this, nahi to aap ho jaoge confused, and I should say that this is ds, and electric field to humko pata hi hai, this is the direction of electric field radially outwards everywhere. Okay, good. So we'll talk about more in the next lecture.